उपेंद्र कुशवाहा ने हार के बाद ये कहा कि पवन सिंह खुद लड़े थे या उनको लड़ाया गया था, ये सब जानते हैं। मतलब उनका साफ कहना था कि पवन सिंह खुद नहीं चुनाव लड़े थे, उनको लड़वाया गया था, उनको प्रोजेक्ट किया गया था, प्लान किया गया था। मतलब वो साफ संदेश दे रहे थे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जानबूझकर हरवाया गया है और इसका असर भी दिखा पूरे शाहबाद में। आपने देखा शाहबाद मगध में NDA की खटिया खड़ी हो गई, साजिश हुई उनको हराने की। उससे खराब मैसेज गया कुशवाहा समाज में और कुशवाहा समाज ने पूरे मगध में और शाहबाद में BJP के लिए वोट ही नहीं किया। BJP चिंतित है कि जो नीतीश कुमार का लॉ कुश समीकरण है उसको किसी तरह से इंटैक्ट रखा जाए। कुशवाहा वोटर जिनकी आबादी 4% से ज़्यादा है, जो बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, उनको जोड़े रखा जाए NDA के साथ। और ये ज़रूरी है इसके लिए कि उपेंद्र कुशवाहा खुश रहें, साथ रहें। तो उपेंद्र कुशवाहा को BJP राज्यसभा भेज सकती है, BJP बड़ी पार्टी है ना, उसके पास बहुत स्कोप है। सम्राट चौधरी को भी जब BJP ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और डिप्टी CM बनाया तो यही माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा की काट के लिए BJP ने उनको प्रमोट किया है। अब पहले राजनीति समझिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके अंदर कुछ नाराजगी भी देखी गई और अब ये कहा जा रहा है कि NDA सरकार की ओर से उन्हें मनाने की कवायद शुरू हो गई है। क्या तोहफा दिया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, NDA कैसे मनाएगी उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कहा नहीं कि हम नाराज हैं। हाँ, उन्होंने नाराजगी इस बात को लेकर जरूर जाहिर की है, वो भी इशारे में। BJP पर कभी आरोप नहीं लगाया, BJP के कुछ नेताओं की तरफ संकेत किया कि उन्होंने उन्हें हराने में अहम भूमिका निभाई। सुशील कुमार सिंह जो खुद चुनाव हार गए औरंगाबाद से, ये कहा जाता है कि उन्होंने पवन सिंह को मैदान में उतारा उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने के लिए। ये भी कहा गया कि भाई सम्राट चौधरी जो BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जीते। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह की बातें चर्चा में आई। उपेंद्र कुशवाहा ने हार के बाद ये कहा कि पवन सिंह खुद लड़े थे या उनको लड़ाया गया था, ये सब जानते हैं। मतलब उनका साफ कहना था कि पवन सिंह खुद नहीं चुनाव लड़े थे, उनको लड़वाया गया था, उनको प्रोजेक्ट किया गया था, प्लान किया गया था उनको हराने के लिए। तो नाराजगी तो है, हालांकि वो नाराजगी सीधे BJP से नहीं जता रहे हैं और वो कह भी नहीं रहे हैं कि भाई मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरी हार की वजह क्या है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और BJP के तमाम नेता भी जानते होंगे। मतलब वो साफ संदेश दे रहे थे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जानबूझकर हरवाया गया है और इसका असर भी दिखा पूरे शाहबाद में। आपने देखा शाहबाद मगध में NDA की खटिया खड़ी हो गई, एक भी सीट पर NDA नहीं जीता। लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में तो हर सीट पर NDA जीता था। बक्सर NDA के पास था, आरा NDA के पास था, काराकाट था NDA के पास, गया जहानाबाद NDA के पास था, ठीक है ना, सारी सीटें NDA के पास थी, सारी की सारी सीटें निकल गई एक झटके में। तो माना ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो साजिश हुई उनको हराने की, उससे खराब मैसेज गया कुशवाहा समाज में और कुशवाहा समाज ने पूरे मगध में और शाहबाद में BJP के लिए वोट ही नहीं किया और उसका सीधा फायदा महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिला। आपने देखा काराकाट से CPIML का उम्मीदवार जीत गया, आरा से भी वही बात हुई, CPIML का उम्मीदवार जीत गए और गया से भी RJD का उम्मीदवार जीत गया, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीत गए। तो पूरा शाहबाद और मगध हाथ से निकल गया। तो उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता हैं। अरे, कुर्मी बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं, कुशवाहा बिरादरी से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। नीतीश कुमार का यही वोट बैंक रहा है, लौकुश समीकरण के जरिए ही वो 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं। उस समीकरण में सिंधमारी की भी लगातार कोशिश हुई है, तेजस्वी यादव ने कितनी बड़ी सिंधमारी की थी, 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उसमें से 2 जीत भी गए।
तो संधवारी करने में उनको कामयाबी मिली। अब बीजेपी चिंतित है कि जो नीतीश कुमार का लॉ कुश समीकरण है उसको किसी तरह से इंटैक्ट रखा जाए। कुशवाहा वोटर जिनकी आबादी 4% से ज़्यादा है, जो बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, उनको जोड़े रखा जाए एनडीए के साथ। और ये जरूरी है इसके लिए कि उपेंद्र कुशवाहा खुश रहें, साथ रहें। तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है ना, उसके पास बहुत स्कोप है। ये हर पार्टी के साथ नहीं है, हर गठबंधन के साथ नहीं है फायदा, लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है, बड़ी पार्टी है देश की, तो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दे सकती है बीजेपी। इससे कुशवाहा समाज में अच्छा मैसेज भी जाएगा कि भाई बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। भले बीजेपी के कुछ नेताओं ने खेल किया होगा, लेकिन बीजेपी का कहीं हाथ नहीं था उपेंद्र कुशवाहा का हराने में। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान करती है, उनका ध्यान रखती है, और हो सकता है उनको मंत्री भी बना दे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना हो। तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बावजूद अगर राज्यसभा भेजे जाएंगे, केंद्र में मंत्री होंगे, तो उनका तो कद बढ़ेगा ही, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो भी सॉलिड होगा, उसमें संधमारी करने की संभावना कम हो जाएगी, तो चांस है। खबरें ये भी आ रही थी सामने कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी और कुशवाहा चेहरे को आगे करना चाहते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज बताए जा रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार या बीजेपी कोई भी, अब सम्राट चौधरी को भी जब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और डिप्टी सीएम बनाया, तो यही माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा की काट के लिए बीजेपी ने उनको प्रमोट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को ये अंदाज़ा लग गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह अभी लेने वाला कोई नहीं है। वो बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के, और एक झटके में उनको गायब नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। चुनाव हारने से क्या होता है, चुनाव हारा लेकिन हरा भी तो दिया है 6 सीटों पर। तो बीजेपी की बात ये समझ में आ गई है, और बीजेपी ने तो सम्राट चौधरी को प्रमोट किया ही है, उनको डिप्टी सीएम बना कर रखा है, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर राज्यसभा भेज करके मंत्री बना देती है तो और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा ना कुशवाहा समाज के बीच कि हमारे बारे में ज़्यादा बीजेपी सोचती है। ठीक है, बीजेपी हमारे नेताओं को के बीच मनमुटाव करके उनको खत्म नहीं करना चाहती, बीजेपी हमारे हर नेता को आगे बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम का पद देकर बढ़ा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज कर मंत्री बनाकर बढ़ा रही है। आप पहले राजनीति समझिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में अवध और सीमांचल में, अवध और पूर्वांचल में अखिलेश यादव को जो सफलता मिली है, यही प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने गैर यादव अति पिछड़ी जाति के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी, ज़्यादा टिकट दिया, और नतीजा ये हुआ कि वो ज़्यादा सीटों पर सफल हो रहे। बीजेपी सोच रह सकती थी कभी कि इतनी बुरी तरह से वो हारेगी उत्तर प्रदेश में, नहीं। लेकिन गैर यादव ओबीसी को ज़्यादा महत्व देने के कारण अखिलेश यादव की कामयाबी मिली है। तेजस्वी यादव ने भी गैर यादव मुस्लिम ओबीसी पर ध्यान दिया, यानी कुर्मी कुशवाहा को ज़्यादा टिकट दिया, यादव का कम कर दिया, मुसलमान का कम कर दिया। उसका फायदा तो मिला ही, हर सीट पर उसका असर दिखा, हर सीट पर कांटे की लड़ाई हो गई, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव का ये प्रयोग ही था, सामाजिक प्रयोग, नया जातीय प्रयोग, तो सफल रहे काफ़ी हद तक, क्योंकि पिछले चुनाव में तो उनको 1 सीट भी नहीं मिली थी, इस बार 4 सीटें मिल गई, उसमें भी 2 कुशवाहा ही जीते हैं। और महागठबंधन की बात करें तो पप्पू यादव को जोड़ दें तो 10 सीटें महागठबंधन को जीतने में कामयाबी मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो केवल 1 कांग्रेस जीती थी किशनगंज की सीट, और इस चुनाव में 10 सीटें जीत गई, 9 सीटें बढ़ गई, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहाँ से कहाँ आ गई, आधे पर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सुधारा जाए। तो उत्तर प्रदेश में भी मंथन चल रहा है कि अति पिछड़ा समाज को आगे लेकर चलना है, उसको जोड़ के रखना है, और बिहार में भी ये प्रयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी का फायदा मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, मंत्री भी बन सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा अगले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी ने ये गलती नहीं सुधारी तो अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुश्किल बढ़ा देंगे बीजेपी की या एनडीए की कहिए। बीजेपी अवगत है इस बात से। उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े थिंक टैंक लगातार मीटिंग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, तो बिहार में भी हार के कारणों की समीक्षा हो रही है, और एक बड़ा कारण है उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर। तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत बदलने वाली है,
फिर मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं, फिर वो राज्यसभा पहुँचने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं, और उसके बाद तो विधानसभा चुनाव में उनका दिखेगा करिश्मा। आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। जैसा कि हमने आपको बताया, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एक कारण बने कि भाजपा जो है, एनडीए जो है, पूरा शाहबाद हार चुकी थी और अब कहीं ना कहीं अपनी गलती सुधारने की कोशिश में है एनडीए, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ी जीत हासिल की जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या राज्यसभा भेजा जाता है, अगर मंत्री बनाया जाता है तो किस कुर्सी पर बैठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thank you.